नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रोकन जी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसकी अभी प्राइस चल रही है 3935। दोस्तों कल के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को टीसीएस का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टीसीएस के क्वार्टर टू रिजल्ट में क्या अनाउंसमेंट हुई है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि टीसीएस का टेक्निकल अभी क्या बता रहा है, क्या हमें टीसीएस के स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टीसीएस के स्टॉक की प्राइस चल रही है 3935, और फ्राइडे के दिन टीसीएस के स्टॉक ने 1% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वैसे तो फ्राइडे के दिन आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां आईटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां हमें माइंडट्री, कॉर्पोरेज, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस ये सभी स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अभी जो न्यूज है टीसीएस के शेयर होल्डर के लिए वो ये है कि कंपनी ने ₹7 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जो शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब हम ये जान लेते हैं कि टीसीएस का क्वार्टर टू का रिजल्ट में क्या अनाउंसमेंट हुई है। दोस्तों टीसीएस के क्वार्टर टू रिजल्ट जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने में आसानी हो और लॉस होने से बच सको। दोस्तों अब हम टीसीएस का क्वार्टर टू रिजल्ट देख लेते हैं, जहां कंपनी का टोटल इनकम है क्वार्टर टू रिजल्ट में 47,978 करोड़ का, और अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की यानी कि जून 21 क्वार्टर की, तो कंपनी की टोटल इनकम थी 46,132 करोड़ की, और अगर हम बात करें एक साल पहले की यानी कि सितंबर 2020 की, तो कंपनी की टोटल इनकम थी 41,049 करोड़ का, यानी कि हमें कंपनी के टोटल इनकम में लास्ट वन ईयर में काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 9,653 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 9,031 करोड़ का। दोस्तों हमें टीसीएस के रिजल्ट में क्वार्टर रिजल्ट में और ईयरली रिजल्ट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीसीएस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास टीसीएस के स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में है तो उन्हें होल्ड करके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको टीसीएस के स्टॉक में और भी अच्छा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिलेगा। वैसे तो हमें आईटी सेक्टर में अभी और अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें टीसीएस में शॉर्ट टर्म की, तो कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन टीसीएस ने 3990 में ब्रेकआउट दे के विद वॉल्यूम सस्टेन नहीं किया, लेकिन स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कल के दिन हमें टीसीएस के स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, तो मंडे के दिन अगर टीसीएस 3990 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे हमें 4200 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।